प्रेमरे ब्रेकअप परे युवकर उन्मत्त कांड झीर मामुघर सदस्य मुंडे बंधुक रखी झीक डाकवाक कला दाबी साढ़े छह घंटार अपरेशन पर शेषे काबू है विक्रम पंडा परिवार सदस्यों अक्षत अवस्था उद्धार कला बलांगीर पुलिस। टीकाकरण ने केन्द्र सरकार को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति केन्द्र को जाई सीधासलख पंजीकरण करें 18 वर्ष अधिक व्यक्ति पंजीकरण पर नहीं पारे टीका केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सूचना। राज्य में कोविड हॉस्पिटल ऊपर कमुची चाप खाली है 76 प्रतिशत जनरल बेड 42 प्रतिशत आईसीयू और 44 प्रतिशत वेंटिलेटर बेड खाली एपटे 4000 तौक खसला दैनिक संक्रमण 6% तले संक्रमण हार 9 वर्ष पुराणा फाइल खोलला कमिशनर पुलिस खोज मृत महिला मृत्युर कारण चिन्हट मरागला पोस्टर 2012 चंदका अंचल मिलता मृतदेह प्राथमिक तथ्य प्रमाण आधार में खोलला फाइल। कोरोना मृतकों मुह देखा 5000 टंका दावी कले श्मशान कर्मचारी केन्दुझर चंपार अभावनीय घटना अंतिम संस्कार बेले मृत मां मुह देखा चाहूंगे पुओ महामारी समय आसला मानविकता मृत्युर आउ एक चित्र नकली औषधर लंबा चेर केउठु तदंत आरंभ कर क्राइमब्रांच हिमाचल प्रदेश लेखा थे भी औषध कंपानी मिलूनी प्रकृत ठिकना एपटे फाविपिराविर सह आजिथ्रोमाइसिन अन्य विटामिन औषध भी भेजाल होता सूचना। आज हम दंपती बाहर कटका भितर संबलपुर चली शीतल षष्ठी पर विषय में जगदम्बा पाणी ग्रहण करेंगे महादेव सीमित लोकों को नहीं हो विवाह उत्सव मंगल आरती पर आसंता काली जुगल मूर्ति दर्शन। बुलेटिन में देखा आज गुरुत्वपूर्ण खबर राज्य में कोविड हॉस्पिटल उपर चाप जथेष्ट कमिगला राज्यर कोविड हॉस्पिटल शज्या एवं खाली होबार लगी तेज 11054 साधारण शज्या रही 2672 शज्यार रोगी अच्छा अर्थात 76% जनरल बेड खाली पड़ी। से हीपरी राज्य में कोविड हॉस्पिटल मोट आईसीयू बेड्र प्राय 57% रोगी थे प्राय 42% आईसीयू बेड खाली रही। सेपरी राज्य में 1324 वेंटिलेटर थिबा बेले 748 वेंटिलेटर रोगी को लगी। तालाबंद संपर्क में राज्य सरकार परवर्ती निष्पत्ति आसवा पूर्व ओडिशार संक्रमण स्थित को सूचाउथिबा एही चित्र हुए तो समस्त आश्वस्त कर कारण जून पहला रे 14.2% दैनिक संक्रमण हार एवं 5.99 को खसी आसी दीर्घ दिन परे राज्य में दैनिक संक्रमण 4000 तलक खसी केवल 2टी जिला जाजपुर 22.33% एवं खोर्धा 10.95% संक्रमण हार 10% उपरे रही बाकी सबु जिला 10% तले रही। ओवरऑल देखिए खोर्धा डिस्ट्रिक्ट आगर आम पॉजिटिव हार 35% था एवं 10% तलक चली आसाई पॉजिटिव डेवलपमेंट आगुक भी कमी जमी अगर डिस्ट्रिक्ट कमी खाली टाइम लगुच एवं जहाँ एक्सपेक्टेड जो लाइन एक्सपेक्टेड थी ओवरऑल ओडिशा आम 5% पाखापाखि पहुंच जाइए बाय द टाइम लॉकडाउन आम पीरियड सरला भितर तेनाली तेणु मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अनलॉकिंग प्रोसेस मतलब लगुच स्टार्ट पर दिन ओडिशा रे संक्रमण कमिबार आउ एक संकेत देउछि हॉस्पिटल उपरे कमुथिबा चाप राज्यर कोविड हॉस्पिटल रे 11054 साधारण शज्या थिबा बेले मात्र 2672 शज्यारे रोगी अछन्ते अर्थात 24.17% जनरल बेड रे रोगी चिकित्सित होउथिबा बेले प्राय 76% जनरल बेड खाली रहिछि। राज्य रे 4512 आईसीयू डीएचयू बेड रो केवल 2605 शज्यारे रोगी अछन्ते मोट आईसीयू डीएचयू बेड रो 57.73% रे रोगी थिबा बेले प्राय 42% आईसीयू बेड खाली रहिछि। सेहिपरि राज्य रे 1324 वेंटिलेटर थिबा बेले 739 वेंटिलेटर रोगी को लागिछि। बेड वैकेंसी अच्छे वी आर इन कंफर्टेबल पोजिशन बेड पाई आपण आज बोधे 5.9 को आसी धीरे 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 आम कंटिन्यूस भाव में तौक जाऊँ एबे भी आईसीयू रे 57-58% लोक अच्छा वेंटिलेटर भी अराउंड 56% लोक अच्छा एसबु भितर सहरांचल एवं ग्रामांचल कोरोना संक्रमित भितर एक बड़ पार्थक्य देखा मिली करोनार द्वितीय लहर में सहरांचल पर ग्रामांचल अधिक संक्रमण देखा मिलता किंतु सहरांचल रोगी स्वास्थ्यावस्था अधिक गुरुतर होता देखा मिलता कहते विशेषज्ञ डाक्तर आश्चर्य लगुच ग्रामांचल जोगुड़ा टेस्टिंग हो
ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସିଭିରିଟି ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଜ୍ କାହିଁକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାହିଁକି ସେମିତି ତା'ର ସିଭିଅର୍ ଡିଜିଜ୍ କାହିଁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଏଇଠି ଇଏରେ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାତ ଜଣ ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ୱେବ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବ୍ରେ ଜଣେ ଯଦି ହେଇଗଲା ସଂକ୍ରମଣ ତା ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକ କରୋନା ଭୂତାଣୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିସାରିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏମିତିକି ଦେଖାଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କରୋନା ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରୋନା ରୋଗ ହେଇଛି କିମ୍ବା କରୋନା ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେତିକି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ନିଜର କର୍ମଠ ବେଶୀ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କାମଦାମ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କି ଯେଉଁ ବାହାରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଦିନସାରା ପ୍ରାୟ କାମଦାମରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି କର୍ମଠ ରହୁଛନ୍ତି ଖଟୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଚୁରାଲି ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା ଏହାରି ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି 17 ତାରିଖ ପରେ ତାଲାବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନା ପରିଡ଼ା କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକାକରଣ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଣିକି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ସେହି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସମୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ଟିକା ନେବାକୁ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଟିକା ନେବା ପରେ ହିଁ କରୋନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏଥିସହ ଅର୍ଥନୀତି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଜି ଉଭୟ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବେ କମିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲହରର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଟିକାକରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାରର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେବେ ତଦନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କଟକ କନିକା ଛକର ହୋଲ୍ସେଲ୍ ଗୋଦାମ ଔଷଧ କାରବାର କରିଥିବା ମାଲିକ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ ତେବେ ଔଷଧ କାରବାରର ଚେର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ କେଉଁଠୁ କେତେ ଔଷଧ ଆସିଛି କେତେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ଜାଲ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କଟକ କନିକା ଛକର ହୋଲ୍ସେଲ୍ ଗୋଦାମ ଓ ଔଷଧ କାରବାର କରିଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ଔଷଧ କାରବାରର ଚେର ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆଜି ସମାପ୍ତ କଟକ କନିକା ଛକ ସ୍ଥିତ ଔଷଧ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଫାବିଫିରାଭିର ଯାଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଦାମରୁ ଜବତ ଔଷଧ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ ତିଆରି ବୋଲି ଲେବୁଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଭଳି
औषध तयारी संस्था हिमाचल रे नाही जहाकि अधिका संध्या सृष्टि करूची। फाविफिराविर छड़ा विटामिन सी और आजिथ्रोमाइसिन भली जो न प्रकार औषध जबत होईची से नहीं भी अनेक संदेह सृष्टि होईची। तेणु एसबू दिग को दृष्टि रखी क्राइम ब्रांच रो तदंत आग को बढ़िबो बोली आशा करा जाउची। ड्रग्स कंट्रोलर कहिसेंती तदंत रे सब प्रकार रो सहयोग करा जीवो। वर्तमान गवर्नमेंट डिक्लेअर कर दी छथि मोबाइल तोड़ मोबाइल तोड़ मोबाइल तोड़ आज्ञा मोबाइल तोड़ करो भाई मोबाइल तोड़ करो कहिबटा समीचीन हो। नकली औषध कारोबार नहीं ड्रग्स कंट्रोलर को पक्षरु सारा राज्य रे चढ़ाऊ जारी रही छि। यहार चेर राज्य बाहर को लंबी थिबारु असल दोषी को धरिबा क्राइम ब्रांच पई चैलेंज होई पारे। कटकरु सौम्य चौधरी को सह भुवनेश्वरु सौभाग्य परिडा और सौम्यजीत सिन्हा को रिपोर्ट करक न्यूज। खोलिला 9 वर्ष तलर फाइल जड़े निर्दिष्ट महिला संपर्क में पोस्टर मारी कमिश्नर पुलिस प्राय 9 वर्ष तले 2012 मे 27 तारीख में चंदका थाना अधीन गोठपाटना आंब बगिचारे जड़े महिला मृतदेह सन्देहजनक अवस्था मिलता। यह महिला बयस 25-30 वर्ष मध्य रही अनुमान 2015 मसीह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसवाप एक हत्या मामला रुजुला। पारिपार्श्विक अवस्था और प्राथमिक तदंत अनुसार महिला जनक ढेंकानाल कामाख्यानगर यार निकटवर्ती अंचल बोली अनुमान करा जाउछि। घटनास्थल में मिलता एक पलिथिन को भित्तिकरी एभली संदेह करा जाउछि। संप्रक्त महिला संपर्क में कौन से सूचना मिलने फोन नंबर जोगाजोग करने को कहा कि प्रारंभिक तथ्य प्रमाण को आधार कर पुणि थे फाइल को खोली। 27/5/2012 मसीह गोटे अनोन डेडबडी मिली गोटपाटना आंब बगिचार से प्रथम गोटे यूडी केस चंदका थाना जाइला। तर सबसिक्वेन्टली जिते पीएम रिपोर्ट आसी तो 19 January 2015 मसीह आम गोटे मर्डर केस ये रेजिस्ट्रेसन होती कि बर्तमान सुधा से महिला परिचय मिल पारे। तो ये आम जो पुराणा केस रिस्ट्रिक्टर जो रिव्यू कला बेले से केसटार जेहेतु किसी स्कोप अच्छी आदि किसी एविडेन्स भी अच्छी केसटा पर चेस्टा कले डिटेक्ट हे से केसटा को फोकस कर बाहर करूँ। जो लोकालीटर गोटे मिलता पलिथिन बैग सांगे थी जो इलेक्ट्रिक अफिस् छक कामाखानगर थी ढेंकानाल जिलार। तो आम विश्वास जो से ही लोकालीटर हो पारती श्रमिक श्रेणी महिला भावी तो से आम प्रथम जीक आभेलेबुल आम पाखे अच्छी फोटोग्राफ्स आर जहाँ जहाँ ये आम सर्कुलेट करो आम स्पेशल टीम भी जाए सर्कुलेट कर गाँव गुड़ाक यदि किसी आइडेंटिफिकेशन हम तरह केस डिटेक्शन करने सुविधा हो। संबलपुर आज राति शुभ लग्न में देव दंपति बाहर है सका विभिन्न नीतिकांति सरी देवी पार्वती मंदिर घर को नहीं कन्या पिता आउे बरबेश सजे होती देवदेव महादेव नंदपड़ार बमराड़ बालुंकेश्वर बाबा मुदीपड़ार जागेश्वर बाबा झाड़ुआपड़ार लोकनाथ बाबा बरबेश सुसज्जित होना कटक भितर बरानुगमन बाहर पर प्रस्तुति चली बरजात्री शोभा मंदिर पाखे मंडप बाहर हो रातिर शुभ लग्न में बाहर हस्तगंठी पर मंगल आलती हो। मंगल आलती सर का जुगल मूर्ति दर्शन देवे करोना कटकणा भितर यह दर्शन चल प्रतिनिधि विष्णु द्विवेदी जोड़ी होती सीधासल विष्णु आज रातिर शुभ लग्न में देव दंपति बाहर होते उत्सव मुखर देखते सारा संबलपुर रही किंतु कोविड कटकड़ा कौटिना कौटे फिका पकईदी आम सीधा सड़क चित्र देखापी आपको कहबी जो बाबा लोकनाथ जो रही मंडप रही मंडप्रे रही आउ कि समय पर रात 12टा पर एक मुहा आलती हे मुहा आलती विधि रक्षापी जेहेतु बरजात्री जो शोभाजात्रा थाए शोभाजात्रा को संपूर्ण बारण कर केवल विधि रक्षापी 4-5 जन जो कमिटी मेम्बर अच्छा से शोभाजात्रा करेंगे शोभाजात्रा केवल पड़ा भितर कि साई भितर बुले लोकनाथ बाबा को आनी सीधा सड़क मंडप्रे रखे ये हूँ बर्तमान सीधा सड़क चित्र जे बाबा प्रस्तुत हो सारी बर बेष सजे सारी सिंगार बेष सजे सारी रूपा सुना गहन सजे सारी बाबा आम आलोचना कर मंदिर वरिष्ठ सदस्य अच्छा सर कौन कौन सब बर्तमान कार्यक्रम रही एक्चुअली आज आम जेन शिव पार्वती अच्छी पहला गंठला पिटा है पार्वती को लेकर पार्वती पितामाता नहीं कर घर को गले हल्दी खेल है हल्दी है उत्तर आम मंदिर शिवंर महादेव बाबा मंदिर रे जो बराती बाहर रुद्राभिषेक खेला मंदिर रे तापर या जिन प्रस्तुत होमर शिव
लोकनाथ बाबा बराती जावाई सुना अलंकार रूपा आउ फूल सज्जित होकरी महाप्रभुकर पूरा बड़ आलती पड़ार किसी कोविड गाइडलाइन हिसाब से जोटा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार गाइडलाइन हिसाब से पालन करुच्छ महामारी कोविड लगे आती बहुत कम विधि रक्षाखारी करेटा कि शीतलष्ठी जात्रा गुटे जाक जमक रहसी जेनता 400 वर्ष इतिहास यात्रा आर वर्ष भी कोविड कटकणा थिला इथर भी कोविड कटकणा थिला से हिसाब से बाबा आज बराती हवा आउ काली जुगल दर्शन हवा जुगल दर्शन जोटा कि पार्वती आ शिवंकर जुगल दर्शन ब्रह्म मुहूर्त हाथ गंठी पड़ तार जुगल दर्शन करसन संबलपुरवासी वर्ष सारा टाकी थीसन जे जुगल दर्शन कले आम पुण्य हेसी बोली आउ किछि उपवास भी रहसन जुगल दर्शन कले उपवास के दर्शन कला उतरु उपवास करसन तापर आमर मंदिर को जाएसन शिव पार्वती को तंगो अभिषेक है मंदिर रे ढुकसन आर पूजा पूजी फिर मंदिर रे प्रवेश कर पके सीधा सब शुणुले काली जुगल दर्शन विलंबित राति ब्रह्म मुहूर्त में ए बाबा लोकनाथ माँ पार्वती हाथ गंठी पड़े ये हूँ सीधा सख चित्र जो आप देखु मझे जो सुनार जो देखा मेड़ देखा से भितर बाबा बोलते आ कि समय पर राति बारटा पर कमिटी सदस्य सूचना रही राति बारटा पर एक मुहाआरती हम जो मुहाआरती पर बाबा को जेहेतु जो शोभाजात्रा थाए बड़ शोभाजात्रा थाए से शोभाजात्रा जेहेतु कटका जी संपूर्ण रूप बंद रही केवल बाबा को पड़ा भितर बुलाजी साई भितर बुलाजीप सीधा सड़क यही जगह को अणाजी पार्वती जी रोच झीव घर को सीधा सड़क एठिकी आसवे आठ ही बाहर अनुषित हम ये हूँ बर्तमान संबलपुर शीतष्ठी ताजा चित्र जेहेतु कोविड कटक कौटिटा कौटी फिका कर दी संबलपुर शीतष्ठी को जेहतु देखिए दुई दुई थर दुई वर्ष होगा शीतष्ठी फिका पड़ी जो सहज कलाकार आसती जो आज दिन में राति बारटा पर चलचंचल हो उठे संबलपुर सहर आज खाँ खाँ लगुच जेहतु कौटिटा कौटी कटका गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनसना को आणुच्छी कोविड कटक जो लोक मैंने आसी पार ना भक्त आसी पार ना भगवान को दर्शन कर केवल विधि रक्षा चली लिपि निहत रूपे गोटे कथा कहुपर कोविड रो गाइडलाइन को आखि आगे रखी देवदंपतिर बह उत्सव पालन कर धन्यवाद विष्णु आपंकर तमाम सूचना टंका भूलीगली मानविकता करोना मृतकों मुह देखा 5000 टंका दावी कले श्मशान कर्मचारी केन्दुझर यह घटना सोशल मीडिया वायराल होबार लगी करोनार मार मृत्यु पर श्मशान को जाते पुह आ श्मशान कर्मचारी शेष थर पर मार मुह देखा अनुरोध करते श्मशान कर्मचारी मुह देखा 5000 टंका दावी करते टा दि संपर्क मुह देख शबर मुह देखा 5000 जी निज माँ को हर तार मानसिक अवस्था किभली थी थरे भावंतु से भली जने युवक को अंतिम संस्कार समय रे माँ का मुह देखा 5000 टंका लांच मागुछंते श्मशान कर्मचारी बड़ कथा है जेतेबेले श्मशान कर्मचारी जानिले मृतकों संपर्क लांच मागिबा कथा को मोबाइल कैमरा रे कैद करछंती संगे संगे बदली गला तांको स्वर ओलोटा कहिले लक्षे टंका देले भी मुह खोलिबे नाही केन्दुझर जिला चंपुआ ब्लॉक कृष्णपुर अंचल जड़े महिला मृत्यु रांकी कोविड हॉस्पिटल रे होइथिला परिवार लोकों मृतदेह हस्तांतर होबा पर श्मशान को शवदाह करबा को आनिथिले हेले सेठी श्मशान कर्मचारी सिद्धेश्वर नायक मृत महिला मुह देखा 5000 टंका लांच मागिथिबा अभियोग होइछि केन्दुझर जितेन्द्र पटनायक रिपोर्ट कनक न्यूज
निजे कोविड नियम को खोलाखोली उल्लंघन कले आ बारण करिपारु प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी उपरक आक्रमण कला दुर्वृत्त। जगत सिंहपुर एरसमा ब्लक जपा बजार तहसीलदार गाड़ी उपर आक्रमण वीडियो कैमेरा रे कहित होई छी। जपा बजार रे सटर टेकी बेपार कराउथिबा खबर पाई जांच करबा को जाइथिले एरसमा तहसीलदार चौधरी प्रज्ञानंद दास। से ही समय जे दुर्वृत्त तहसीलदार गाड़ी उपर आक्रमण करथिला। दुर्वृत्तों आक्रमण में तहसीलदार गाड़ी काच भांगी जाइथिबा बेले तहसीलदार अन्य कर्मचारी सुरक्षित अछन्ते। एने एरसमा थाना रे तहसीलदार लिखित अभियोग करबा परे पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करछी।